पर मतदान कराने जा रहे हैं, इस तरह का आपको मतपेटिका मिलेगा, इस तरह का लोक अवस्था में आपको मतपेटिका मिलेगी। अब ये मतपेटिका को हम लोग बूथ में गए हैं, बूथ में जब मतदान कराने के योग्य बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको इसको सील करना है मतदान मतपेटिका को, तो उसके लिए पहले इसको हम अलग करेंगे। इसको अलग करने के बाद देखिए एक छिद्र है, छिद्र में आप अपना उंगली डालेंगे, एक अंदर में पुशर बटन होगा, उसको खींचेंगे आप तो यहाँ से ये क्लिप पकड़ के इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे आप और पूरा तरह घुमा देंगे तो ये आपको खुल जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे करके खोल दिए, खोलने के बाद हम उपस्थित मतदान अभिकर्ता जो बैठे हैं प्रत्याशी के अभिकर्ता के रूप में, तो उसको दिखा देंगे कि देखिए ये मतपेटिका में अंदर में कुछ नहीं है और सही सलामत ये मतपेटिका है, खाली है। अब क्या है कि इसमें एक हम लोगों को लेबल मिलेगा जो एड्रेस के रूप में है, इस पर है जिला का नाम है, प्रखंड का नाम, अनुमंडल का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, मतदान केंद्र नाम और संख्या, मतपेटिका क्रमांक, मतदान की तिथि, ये हम लोग इसको दर्ज करेंगे जिस बूथ में आप गए हैं और दर्ज करके इसको हम अंदर में छोड़ देंगे, गोंद लगा के छोड़ भी देंगे या फिर गोंद भी लगा सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, छोड़ देंगे। तो इस तरह के छोड़ दिए इसमें। अब हम लोग को करना क्या है, इसको सील करना है, पेपर सील से सील करना है। तो पेपर सील से सील करने के पहले हमको मिलेगा तीन चार तरह का पेपर सील, लगभग चार मिलेगा। जो पेपर सील आप इसमें सील करने के लिए उपयोग में लाएंगे उसका देख लेंगे, उसका नंबर आप नोट कर लेंगे, क्योंकि वो नंबर आपको पेपर सील लेखा में आपको दर्ज करनी होगी। इस तरह आप पेपर सील लेंगे, एक तरफ देखेंगे पेपर सील की तरफ, एक तरफ ब्लू होगा और दूसरे तरफ सफ़ेद होगा। सफ़ेद भाग में उपस्थित बूथ में जो आपका मतदान केंद्र है, जहाँ उपस्थित है मतदान अभिकर्ता, अगर चाहे तो उसे सिग्नेचर करा लीजिएगा, करा लेंगे, करना चाहेंगे तो कर लेंगे। और ब्लू साइड में जहाँ नंबर है वहाँ आप एक प्रवेदक चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद पीठा सिंह पदाधिकारी अपना पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद इसको हम लोग इसमें सील करेंगे। सील करने का क्या तरीका है कि जब भी हम इसको पेपर सील लगाएं तो देखें कि जिधर से लगा रहे हैं तो हम सफ़ेद अंदर की तरफ होनी चाहिए, और इस तरह का हम ये पेपर सील यहाँ इसको पूस करके यहाँ डालेंगे छिद्र में, और कोई नहीं उठता है तो पिन सबसे इसको हम लोग मिलेगा, इसको उठा करके इस तरह उठा के इसको हम लोग यहाँ डाल देंगे। डालने के बाद देखेंगे कि ये जो मुहर है प्रवेदक चिन्ह ये दिखता है कि नहीं, ये छिद्र से दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए क्या है कि देखिए एक और छिद्र है यहाँ पर, यहाँ पर इसको हम लोग डाल देंगे, ये और मजबूत पेस्ट होने के लिए, मजबूतीकरण के लिए कि कहीं घिसके ना, इसके लिए एक छिद्र है और इस पर हम लोग इसको डाल करके खींच देंगे। अब ये होने के बाद क्या करेंगे कि ये चूँकि ये पतला पेपर है, फट सकता है किसी से टच होने के लिए, तो हम लोग इसमें मजबूत एक मोटा सा पेपर का गत्ता मिलेगा, वो गत्ता को हम लोग इसमें गोंद लगाएंगे, पहले एक धाई जिधर लगाएंगे गोंद लगा के, और जिस साइड गोंद रहेगा उस साइड से आपको इसको पेपर सील के तरफ लगा कर इस गोंद गत्ता को डालेंगे। इसमें डालेंगे तो गोंद जहाँ है और पेपर सील और गोंद दोनों एक दूसरे से पेस्ट हो जाएगा, तो इसकी मजबूती बढ़ जाएगी कि आराम से वो फट नहीं सकता है। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद ये कहीं इधर उधर जाए ना, कहीं घसके ना, इसके लिए हम लोग इसको सीलिंग का व्यवस्था करेंगे, लाही से सील करेंगे। तो ये लाही है, इस तरह का लाही को हम लोग गर्म करके, और लाही को हम लोग देखिए दो पॉइंट है, ये पेपर सील जहाँ लगी है उसको देखिए, यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट में पेपर सील और बॉडी दोनों को टच करके इस लाही का हम लोग सील्ड करेंगे, दोनों तरफ, एक तरफ इधर किए और फिर एक तरफ इधर, दो तरफ इसको सील्ड कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, फिर ये पेपर सील इधर उधर कहीं घिसकेगा नहीं। अब क्या है कि अगर लंबा जाता है ये पेपर सील तो आपको ये बंद करने में ये फट सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग एक बार इस तरह का इसको धार पैदा कर देंगे मोड़ के। धार पैदा करने से क्या होगा कि कभी ये सीधा नहीं होगा, इसी तरह रहेगा, और इस तरह रहेगा तो ये बंद करने में इसका भाग जो है अंदर में आराम से ये चला जाएगा। तो पेपर सील भी हमारा
सहूलियत है और कोई तरह का उसमें गड़बड़ नहीं होना है। अब क्या है कि इसको हम लोग वोटिंग अवस्था में लाएंगे, क्योंकि मतदान करानी है हमको, तो वोटिंग अवस्था में कराने के लिए हमको इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे और इतना घुमाएंगे कि मतपत्र डालने का जो जगह है वो क्लियर इस तरह खुल जाए, और जितना घुमाएंगे एक कट का आवाज़ आएगा, बस वहीं पर आप उसको छोड़ देंगे, देखेंगे कि वो मतपत्र डालने के लिए अपना सही जगह बन गया है। अब इतना होने के बाद ये जो है इसका लॉकर, छीत का लॉकर, और उसको हम लोग यहाँ ले जाके लॉक कर देंगे। लॉक तब करेंगे, टेम्प्रोरी लॉक करेंगे अभी हम लोग, जब तक मतदान हो रहा है। मतदान की अवस्था में लाने के लिए टेम्प्रोरी इसको तार से हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि कोई शरारती मतदाता आता है तो इसको खुला रहेगा तो हटा के इसको काट सकता है, इसलिए इसको हम लोग टेम्प्रोरी लॉक कर देंगे तार से। अब यह मतदान के लाइट तैयार हो रहा है, अभी सील कम्प्लीट नहीं हुआ है, तार बांध दिए, अब मतदान चालू हो गया। मतदान की समाप्ति हो गई, पीठासीन पदाधिकारी मतदान की समाप्ति की घोषणा कर दी, उसके बाद फिर हम लोग इसको यहाँ ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे तार को, इसको हटाएंगे और उसके बाद फिर इसको हम लोग पूरे तरह घुमा देंगे, क्लॉक वाइज ही घुमाएंगे तो ये पूरा घूम जाएगा और ये जो छेद था जहाँ से मतपत्र जाता था वो पूरी तरह लॉक हो गया, बंद हो गया। अब बंद होने के बाद क्या करेंगे, ये जो लॉकर है एक छिद का लॉकर, इसको भी यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पहले तार से जिस तरह बंधा हुआ था वो तार से बांधेंगे, फिर हम लोग इसको धागा से एक लेबल लेंगे, वही लेबल जहाँ जिला का नाम, प्रखंड नाम, अनुमंडल वगैरह जो रहता है, बूथ का नाम वगैरह, ये लेबल ले करके इसमें भरेंगे और फिर धागा से इसको पेस्ट करके यहाँ बांधेंगे, बांध के ये लेबल यहाँ लटका हुआ रहेगा। अब इस जहाँ हम लेबल लगाए हैं उसको भी हमको सील करना है, तो सील करने के लिए हमको फिर ऐसा करेंगे कि एक गत्ता दे देंगे और धागा जहाँ गांठ लगाए हैं उस गांठ में इसको हम लोग सील लाही का सील करेंगे, जहाँ धागा का गांठ पड़ेगा। अब ये हो गया, लेबल यहाँ लटक गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दोबारा इसको फिर सील करना है। इस तरह का फीता मिलेगा आपको, इसको चारों तरफ से हमको इस पेटी को बांधनी है। बांधनी कैसी है, देखिए यहाँ से हम लोग पहले पार करेंगे और उसके बाद इस तरह का हम लोग इसको ले जाएंगे। इस तरह का ले जाने के बाद यहाँ पर फिर हम लोग मोड़ देंगे, यहाँ घुमाव देंगे, यहाँ पर घुमाव देने के बाद फिर इसको हम लोग यहाँ से एक बार घुमा देंगे, घुमाने के बाद लाएंगे और इसको हम लोग गांठ लगा देंगे, इसको हम लोग मजबूत गांठ लगा देंगे। यहाँ पर गांठ लगाने पर जहाँ गांठ पड़ती है, सील्ड का मतलब होता है जहाँ गांठ पड़ती है उस गांठ में हम लोग फिर सील्ड करेंगे, तो इसलिए हम लोग फिर लाही से इसको लेंगे, क्योंकि मतपेटी का ख़राब ना हो इसलिए उसको नीचे में हम लोग गत्ता लगा देंगे जहाँ हम लोग लाही का सील्ड करेंगे उस समय, क्योंकि वो लाही गर्म होता है कहीं ख़राब ना करे बॉडी को, फिर वो गांठ में हम लोग इसको लाही को लगा देंगे कि वो गांठ खुले ना, खुले तो पहचान हो जाए, इसलिए उसको हम लोग इस बंधन को सील कर देंगे, सील कर देंगे, गत्ता हटा देंगे। अब क्या है, इसमें एक लेबर फिर हम लोगों को फिर भरनी होगी और वो भरने के बाद हम लोग इस पर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये बॉक्स जो है किस बूथ का है, कहाँ का है, किस वार्ड का है, किस पंचायत का है, वो दूर से इस पर खोलने से दिखे, ये लगा देंगे लेबर। अब हम लोगों को मिलेगा एक कपड़े का बस्ता या फिर बोरी मिले, जो भी मिले हम लोगों को जो मिलेगा उसमें इसको हम लोग डालेंगे अंदर पूरे फिट कर, और डालने के बाद वो बोरी का मुँह को हम लोग सिलाई करेंगे, सिलाई करने के बाद जहाँ जहाँ सिलाई है वहाँ हम लोग सील करेंगे, सील करने के बाद बोरी के ऊपर में फिर एक लेबल हम लोग इस मतपेटिका का, बूथ का, जिला का, ब्लॉक का, पंचायत का लगाएंगे लेबल, और तब वो आपका सामग्री जमा करने लायक ये मतपेटिका तैयार है।